न्यू वीडियोस के लिए सब्सक्राइब आइकन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको न्यू एजुकेशनल वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज फॉर 2019 नीट बोर्ड्स एंड एम्स एग्जामिनेशन। ओके, सो गाइस, एज वी ऑल नो, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें एनसीईआरटी पे कमांड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर वन को स्टार्ट करने से पहले, आई वांट टू क्लियर कि आपके पास आपकी एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए। सो एक एनसीईआरटी में पूरे चैप्टर की हर लाइन इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बट उस चैप्टर में कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जो हमें डेफिनेशंस, उस वर्ड का मीनिंग और उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बताती हैं। सो जिसके लिए आपको ये पूरा चैप्टर लास्ट तक देखना होगा, यानी लेक्चर वन है। इसी तरह से पूरी सीरीज में 11th एंड 12th की कंबाइन पूरी वीडियोस बना दी जाएंगी। ओके, ये शॉर्ट रिवीजन टाइप एक ब्रीफिंग वीडियोस हैं जो कि आपको आगे आपके बोर्ड्स में एंड नीट एग्जाम में हेल्प करेंगी। सो गाइस, हियर वी स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके, हाईलाइटेड हैं सारे पॉइंट्स, की पॉइंट्स सारे हाईलाइटेड हैं। मैं आपको ब्रीफली समझाती जाऊंगी सारी पॉइंट्स, आप बस अपनी एनसीईआरटी अपने पास रखिए, अदरवाइज पीडीएफ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक कर दी गई है, आप वहां जाके पीडीएफ ले सकते हैं हाईलाइटेड की, इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ओके, सो सब कुछ आपको गिवन है, सब कुछ में पढ़ना है, आपको समझा दिया जाएगा सब चीज़ें, बस आपको ध्यान से अपनी एनसीईआरटी लेके बैठना है एंड हाईलाइट करते जाइएगा, लाइक अंडरलाइन करते हैं, कुछ भी करिएगा, बट लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि वीडियो में आखिर सब चीज़ें हाईलाइट करने का मेन मकसद क्या था। ओके, सो व्हेन वी स्टार्ट, फर्स्ट पैराग्राफ में, लाइक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जो आपका पेज है उसमें फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसके अंदर इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। ठीक है, नीट बोर्ड्स इसमें से कुछ नहीं पूछा जाता है। मेन जो है वो है सिस्टमैटिक एंड मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, लाइक लाइफ को सिस्टमैटिक वे से कैसे एग्जामिन किया गया, तो उसमें क्या क्या चाहिए होता है, आइडेंटिफिकेशन चाहिए होते हैं, नॉमनक्लेचर चाहिए होता है और क्लासिफिकेशन चाहिए होता है। ये तीनों की पॉइंट्स हुए। ओके, इसके बारे में ब्रीफिंग हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, आगे चैप्टर में जब आएगा। देन हम जब आगे बढ़ते हैं हमें पता चलता है ये एक साइंटिस्ट थे जो कि 5 जुलाई 1904 को केम्पटन जर्मनी में पैदा हुए थे। इनका नाम था अर्नस्ट मेयर, याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा। अर्नस्ट मेयर एक साइंटिस्ट थे जिन्हें हम डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा करते थे। ओके, इसमें सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। और इनका काम, इन्होंने क्या किया था, ही पायोनियर्ड द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल स्पीशीज। ओके, डन, ईयर याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है अदरवाइज, बट फिर भी आप एक बार देख लीजिए। सो व्हेन वी मूव फर्दर, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट पैराग्राफ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंड पैराग्राफ पे आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है, वट इज लिविंग, लिविंग क्या है। ओके, सो लिविंग क्या है, लिविंग कैसे डिफाइन करेंगे हम, एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे डिफाइन करेंगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है, तो उस ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, सेंस करना है एनवायरनमेंट को और काफ़ी सारे रिस्पॉन्स करना स्टिमुलाई के बेसिस पे। ओके, और बंदा मतलब एबिलिटी क्या है उसकी, सेल्फ रिकॉग्नाइज कर पा रहा है यानी ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं, ये सब लिविंग बींग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को जब हम ब्रीफ में पढ़ेंगे पूरी एनसीईआरटी में जो गिवन है, फर्स्ट है ग्रोथ, इसका मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स ग्रो। ग्रोथ दो तरह की होती है, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक नॉन लिविंग में होती है, जस्ट लाइक उसे ग्रोथ नहीं कहा जाता, कंसिडर किया जाता, बट फिर भी एक तरीके से उसकी हाइट और उसके मास में चेंज आता है, जिस तरह से उसे ग्रोथ में हम इंक्लूड करते हैं। लाइक कोई एक पत्थर है, पत्थर के ऊपर ईयर टू ईयर अगर उसके ऊपर कुछ मटीरियल डिपॉजिट हो रहा है तो उसकी हाइट बढ़ेगी ऑब्वियसली। चट्टान कैसे बनी है, ये माउंटेन्स कैसे बने हैं, पत्थर के ऊपर ही पत्थर, इस तरीके से उसकी हाइट बढ़ती गई। ओके, तो उसकी ग्रोथ हुई। इसी तरह से ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। ग्रोथ की डेफिनेशन क्या होती है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो कैसे करता है, बाय सेल डिवीजन। इन प्लांट्स इस ग्रोथ को सेल डिविजन्स के थ्रू थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, पूरी लाइफ टाइम प्लांट्स में ग्रोथ होती रहती है जबकि एनिमल्स में एक सर्टेन पीरियड तक होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सेल डिविजन के थ्रू ग्रो करते हैं। देन वैन वी मूव फर्दर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ जो है इनसाइड होती है, जिस ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक, जस्ट नोट डाउन, इंट्रिंसिक। ओके, सो
जब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो ये ग्रीन से जो हाईलाइटेड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो येलो से हाईलाइटेड है ये इंपॉर्टेंट है. ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन है और इम्पॉर्टेंट येलो है. ओके, सो ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि ग्रोथ हमें वहाँ पे भी देखने को मिल रही है, नॉन लिविंग में भी. ओके, नेक्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का. आगे बढ़ते हैं, फंजाय जो है मल्टीप्लाई करता है और काफ़ी इजीली स्प्रेड कर लेता है. किसकी वजह से? असेक्सुअल स्पोर्स की वजह से, मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स. ठीक है, इन लिविंग इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग. देन प्लानेरिया का एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, नीट में पूछा जाएगा. इन प्लानेरिया फ्लैटवॉर्म्स कहते हैं प्लानेरिया को. ओके, वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन. अब ये ट्रू रीजनरेशन क्या होता है आगे देखिए. दैट इज अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स. एक कोई भी जैसे प्लानेरिया है फ्लैटवॉर्म, उसका एक कोई भी पार्ट अगर कट के कैसे भी हट जाता है, एक अलग हो जाता है, द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म. जैसे उसकी टेल कट गई तो वो टेल एक पूरा ऑर्गेनिज्म दोबारा बना लेगी. ओके, यही यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है. द फंजाय द फिलामेंटस एल्गे द प्रोटोनोमा ऑफ मॉसिस ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन. जबकि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बैक्टीरिया और एल्गे या अमीबा. रिप्रोडक्शन जो है वो साइनोनियम्स है ग्रोथ के साथ, इसका मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स. देन व्हेन वी मूव फर्दर वी सी दैट देर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस. लाइक अभी हमने क्या पढ़ा कि रिप्रोडक्शन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, रिप्रोडक्शन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट ऐसे और भी कई ऑर्गेनिजम्स हैं जो लिविंग हैं बट वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं. लाइक म्यूल्स, सीराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स. ओके, तो ये सब जो होते हैं ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं जबकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. इसका मतलब रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है आपका वो है मेटाबॉलिज्म. अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ केमिकल्स. ठीक है, तो अब आप पूछोगे मेटाबॉलिज्म क्या होता है. मेटाबॉलिज्म इज ऑल द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑक्यरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म. ओके, गॉट इट. जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं, हाउएवर द केमिकल इक्वेशंस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी आर नोन एज मेटाबॉलिज्म. जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर मेटाबॉलिज्म देखने को नहीं मिलता है. ओके, देन हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस. ओके, देन व्हेन वी मूव फर्दर ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द कॉम्प्लेक्स यानी कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल क्यूज. इसका मतलब कॉन्शियसनेस है उनके अंदर. फोटोपीरियड इफेक्ट्स की कॉन्शियसनेस आपका अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है. फोटोपीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडीज. ओके, सो ह्यूमन बींग्स जो है इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ दैट इज हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए. सो दैट मीन्स कॉन्शियसनेस सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में होता है, यानी कि ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिज्म की. ओके, क्वेश्चन आ जाएगा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कॉन्शियसनेस है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है या फिर इंट्रिंसिक ग्रोथ है. तो आपको पता है कि कॉन्शियसनेस आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. देन बीच में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. अगली इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर है, दीज इंट्रैक्शन रिजल्ट इन एमरजेंट प्रॉपर्टीज एट अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, मतलब काफ़ी हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लाइक काफ़ी सारे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है. ठीक है, फिनोमिना जो ये होता है इज ट्रू इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिबिलिटी एट ऑल लेवल. देयरफॉर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. इसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं. हम एक्सटर्नल कोई हमें टच करता है या फिर व्हेन वी जस्ट फील समथिंग तो हमें कॉन्शियसनेस होती है, हम उस चीज़ से अवेयर होते हैं. तो दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस. ओके, देन व्हेन वी मूव फर्दर अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. इस पैराग्राफ में डाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है, 1.7 से 1.8 मिलियन. दैट्स ऑल, इतनी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इस पैराग्राफ में. इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, यानी कि द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ. ओके, देन देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज, यानी कि
ने अब हाँ इतने सारे स्पीशीज़ हैं, इतने सारे नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं, 1.7 से 1.8 मिलियन, तो उनको हमें स्टैंडर्डाइज करना होगा, उन्हें हमें ऑर्गेनाइज करना होगा अलग अलग फॉर्म्स में. सो द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको सेम नेम से जाना जाए, उसको हम कहते हैं नॉमनक्लेचर, यानी कि उसका नॉमनक्लेचर करना, उस चीज़ का नाम रखना, नामकरण. ओके, सो नॉमनक्लेचर की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, नॉमनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली. जब उसको हम अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे, हमें पता होगा ये कौन सी स्पीशीज में है, कौन सी फॉर्म में ये प्रोड्यूस हो रहा है, हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, तभी हम उसको नॉमनक्लेचर कर सकते हैं. ठीक है, डिस्क्राइब करेक्टली एंड वी नो टू वॉट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच टू, सो उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना, देन नॉमनक्लेचर करना. ओके, प्लांट्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमनक्लेचर. यू ऑल नो बोटनी इज ऑल अबाउट प्लांट्स, प्लांट बायोटेक एंड ऑल, एंड जूलॉजी इज अबाउट एनिमल्स. सो काफ़ी ईजी है यहाँ पे प्लांट्स के लिए जो क्राइटेरिया और प्रिंसिपल जो डिसाइड करते हैं वो कौन करता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमनक्लेचर, ICBN, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, अदरवाइज डिफरेंस पूछ लिया जाता है. इंडियन भी लिख के दे देते हैं तो आपको करेक्ट बताना पड़ता है कि इंडियन है कि इंटरनेशनल. ओके, देन एनिमल्स के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर, ICZN, साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम. देन एक नेम के टू कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट. लाइक सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ टू कॉम्पोनेंट्स, इसको क्या कहते हैं, बायनोमियल नॉमनक्लेचर. अब आई थिंक आपको समझ आ गया बायनोमियल नॉमनक्लेचर क्या होता है, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को, किसी भी एक स्पीशीज को नेम देना, तो जिस नेम के अंदर क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जेनरिक एंड स्पेसिफिक, यानी कि जीनस का नाम एंड स्पीशीज का नाम. ये किसने दिया था, कार्लस लिनियस ने. ओके, देन व्हेन वी मूव फर्दर, अब एग्जाम्पल तो हम ले लेंगे मैंगीफेरा इंडिका का एग्जाम्पल ले लेंगे, बट पहले उसके रूल्स पढ़ लेंगे, रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नेम्स जो होते हैं जनरली लैटिन में होने चाहिए और रिटन इन इटैलिक्स, लाइक दे आर लैटिनाइज और डिराइव फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन. अब आप पूछोगे लैटिन, लैटिन ही क्यों, लैटिन एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत कम बोली जाती है, तो सिर्फ साइंटिस्ट ही उस लैंग्वेज को समझ सकते हैं, और अगर कोई चीज़ कॉमन हो जाएगी, सब में यूज़ होगी, तो उन्हें काफ़ी दिक्कत होगी या फिर कुछ काफ़ी परेशानी होगी किसी भी ऑर्गेनाइज्म को पहचानने में. सो इसलिए लैटिन जो कम लोकप्रिय है, कम जानी जाती है जो लैंग्वेज, उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं साइंटिफिक थिंग्स में. ओके, फर्स्ट आपको समझ में आ गया, फर्स्ट रूल. सेकंड रूल है, फर्स्ट वर्ड जो होता है बायोलॉजिकल नेम का वो होता है जीनस, यानी कि जेनरिक. ओके, देन सेकंड जो होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, यानी कि स्पीशीज के बारे में. बोथ जो वर्ड्स होते हैं उन्हें बायोलॉजिकल नेम कहा जाता है. जब अब ये थी बात प्रिंटिंग की, जब हैंड रिटन जो होते हैं ना उनको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है, अगर आप दोनों वर्ड्स को एक साथ अंडरलाइन कर लोगे तो वो गलत है, दोनों वर्ड्स को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है. और जब प्रिंट किया जाएगा इटैलिक्स में तो उसके हमें ताकि पता चल जाए कि ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उस वर्ड को, पर्टिकुलर वर्ड को इटैलिक्स में कर देते हैं, लाइक थोड़ा टेढ़ा. ओके, तो द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर, जीनस वाला पार्ट हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और स्पीशीज वाला स्मॉल लेटर से. ओके, लाइक हम एग्जांपल देखिए मैंगीफेरा इंडिका, अब ये थोड़ा इटैलिक्स में है वो हमें पता चल गया क्योंकि प्रिंटेड है. ओके, अगर ये हैंड रिटन होता तो अंडरलाइंड होता सेपरेटली. अब प्रिंटेड है मैंगीफेरा इंडिका, यानी कि मैंगीफेरा एम कैपिटल है यानी कि जीनस, एंड इंडिका का आई स्मॉल है यानी कि स्पीशीज. नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, इसका मतलब एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एब्रीविएटेड फॉर्म, लाइक मैंगीफेरा इंडिका लिन. ठीक है, कार्लस लिनियस हम बोलते थे ना, लिनियस का लिन लिखा है हमने. ओके, तो अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. लाइक क्लासिफिकेशन करना किसी भी ऑर्गेनिजम्स, कई ऑर्गेनिजम्स का. ओके, तो उनको अलग अलग कैटेगरीज में जब हम बांटते हैं तो उसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन. ठीक है, देन इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस करके ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी क्लासिफाइड, सॉरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा. और टैक्सा यानी कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में उसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी. ओके, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज. लाइक देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा, ये हमें प्रीवियस टैक्सोनॉमी के बारे में बताती है. ओके,
देन अब मॉडर्न टेक्सोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स आ चुके हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, उनके ऊपर बेस होते हैं, किस चीज़ के ऊपर बेस होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर ऑफ सेल भी, और डेवलपमेंट होना उनके प्रोसेसेस का, एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज के अकॉर्डिंग. देन कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी. आपको पता चल गया. देन अब आता है वर्ड सिस्टमैटिक्स. सिस्टमैटिक्स क्या है? द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा, जिसका मतलब सिस्टम से अरेंजमेंट करना ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है. देन लीनियस, यानी कि लीनियस जो है यूज्ड सिस्टमा नेचर. लीनियस जो है, कार्लस लीनियस जो है, उसने वर्ड यूज किया था सिस्टमा नेचर एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन. इसका मतलब द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वॉज लेटर एंड लास्ट टू इंक्लूड, क्या क्या आता सिस्टमैटिक्स में, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, जो हमने सबसे स्टार्टिंग पढ़ा था. ओके, देन सिस्टमैटिक्स टेक इन टू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन. देन आती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या क्या होती हैं? क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी. जो कैटेगरी टैक्सोनॉमिक, जैसे हमने सबसे पहले टैक्सोनॉमिक में हमने उसको डिफरेंशिएट किया था, ठीक है, तो किसके बेसिस पे किया था? क्लासिफिकेशन बेसिस पे. अब क्लासिफिकेशन में जो है इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स इंक्लूड करती है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट रैंक या कैटेगरी को बताते हैं. द कैटेगरी इज द पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, तो इसको हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. और जो सारी कैटेगरीज जो होती है जब एक साथ आती है तो उसको क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमिक हायरार्की. एक सिंगल को हम कहेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और जब हम काफ़ी सारी स्टेजेस सेम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की लाएंगे तो उसे हम कहेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की. ईच कैटेगरी रेफर टू एज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इन फैक्ट इट रिप्रेजेंट रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन, प्लूरल है इसका टैक्सा. ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इतना चैप्टर. हर एक टैक्सॉन या हर एक रैंक जो है क्या शो करती है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. देन हम आते हैं किंगडम, फाइलम, डिवीजन. फाइलम और डिवीजन सेम उसमें आते हैं. सो किंगडम फाइलम होता है प्लांट्स के लिए, डिवीजन फाइलम होता है सॉरी एनिमल्स के लिए, डिवीजन होता है प्लांट्स के लिए, ठीक है. देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. अब इसको याद कैसे करें, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ये आपको याद रखना है सीक्वेंस. ओके, देन स्पीशीज एज द स्पीशीज जो है लोएस्ट कैटेगरी है, सबसे नीचे, ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में चलता है. ओके, देन व्हेन वी मूव फर्दर स्पीशीज पे आते हैं. अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज आर नोन एज स्पीशीज, ठीक है. फंडामेंटल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप होता है जिसके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज होंगी, काफ़ी सारी फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होंगी, स्पीशीज होंगी. द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेज, काफ़ी ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होता है. ओके, देन इसमें आते हैं ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटेड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. एक जीनस के अंदर वन या वन से ज़्यादा स्पीशीज हो सकती हैं जो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म को बताती हैं, लेकिन मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज होंगी, यानी कि मॉर्फोलॉजी यानी कि बाहर का स्ट्रक्चर उनका सेम होगा. देन जो हम जीनस पे चाहते हैं, जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीशीज, यानी कि जीनस के पास ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होंगे इन कंपेरिजन टू स्पीशीज ऑफ द अदर जेनरा. लाइक पोटैटो है, ब्रिंजल है, ये टू डिफरेंट स्पीशीज हैं लेकिन दोनों बिलोंग करती हैं सोलेनम जीनस को. ओके, देन लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, टाइगर हो गया, विद डिफरेंट कॉमन फीचर्स आर ऑल स्पीशीज ऑफ द जेनरस पैंथ्रा. ओके, तो पैंथ्रा हो गया जीनस एंड लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये क्या हो गए हमारी स्पीशीज. देन फैमिली, फैमिली जो होता हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज, ठीक है. सिमिलैरिटीज आप देख रहे होंगे कम होती जा रही है स्पीशीज से, फिर जीनस में कम हुई, फिर फैमिली में और कम हुई, इस तरह से किंगडम में बिल्कुल कम हो जाती है. आगे बढ़ते हैं. फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज. फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज. ओके, थ्री डिफरेंट जेनरा सोलेनम, पेटूनिया एंड जतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी. ओके, एंड जीनस पैंथ्रा जिसके अंदर लायन, टाइगर, लेपर्ड होते हैं, पुट अलॉन्ग विद जीनस फेलिस इन द फैमिली. लाइक जो अब देखो स्पीशीज के अंदर बिल्कुल कंशाइज करके बिल्कुल सेम, देन जीनस के अंदर एक के अंदर दो दो टाइप के हो सकते हैं, तीन तीन टाइप के स्पीशीज हो सकते हैं. अब फैमिली के अंदर दो टाइप के जीनस हो सकते हैं. ओके, वही यहाँ पे समझाया गया है कि कैट्स है, कैट्स लॉयन की फैमिली से रिलेट करते हैं, अब पता चला क्यों करते हैं, वो फैमिली में आते हैं, एक फैमिली में आते हैं,
ठीक है, अगर हम जीनस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बिल्कुल अलग है, कैट्स बिल्कुल अलग है, लेकिन अभी सेम फैमिली में आ गए, फैमिली फेलिडे में, ओके, तो कम सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे इनके। देन हम जाते हैं जब ऑर्डर पे, ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। ऑर्डर बींग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। ऑर्डर के अंदर फैमिलीज होते हैं जो कि थोड़े बहुत साथ साथ सिमिलर कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है। जब आगे बढ़ते हैं क्लास, क्लास जो होता है दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, यानी कि हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स आर डिक्रीजिंग बाय कैरेक्टर टू कैरेक्टर, ओके। एंड फाइलम, फाइलम जो होती हैं क्लास, क्लासेस जो होती हैं जो जैसे कि सिमिलर कैरेक्टर लाइक लेस सिमिलर कैरेक्टर्स या कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड क्लासेस लाइक फाइलम इंक्लूड्स रिलेटेड क्लासेस। एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर फाइल, जो एनिमल के अंदर कैटेगरी जो डिसाइडेड होते हैं उनको हम फाइलम कहते हैं, और जो कि बेस होते हैं कॉमन फीचर्स पे, और जो प्लांट्स के अंदर होते हैं उसको हम डिवीजन कहते हैं। क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन टू हैव अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। देन वी गो टू किंगडम, किंगडम के अंदर क्या होता है, किंगडम जो है हाइएस्ट कैटेगरी है, ठीक है, जिसको हम किंगडम एनिमिलिया कहते हैं, और इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर। लाइक अगर वैन वी सॉ दिस वन, सबसे ज़्यादा सिमिलर, उससे कम सिमिलर, उससे तो और कम और कम और कम और बिल्कुल कम। किंगडम में आप काफ़ी सारे एनिमल रख सकते हो, आपको और प्रिसाइज जाना है तो आपको फाइलम, फाइलम या डिविजन में जाना होगा, और प्रिसाइज जाना है तो आपको फैमिली में जाना होगा, क्लास में जाना होगा, ऑर्डर में जाना होगा, ऐसे, ओके। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स goes on decreasing। लाइक हम species से kingdom में जाते हैं तो similar character obviously decrease होंगे, अभी समझाया था आपको, है ना। देन ये प्लीज़ याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये एनसीईआरटी में एक्चुअली देखिए, एनसीईआरटी में जितने भी चार्ट है, एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम्स सब इंपॉर्टेंट है, तो उस हिसाब से हम डायग्राम्स एंड इसकी भी अलग से वीडियो बनाएंगे, बट पहले चैप्टर कम्प्लीट करते हैं। देन आता है टेक्सोनॉमिकल एड्स, यानी किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करना, ओके। तो प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसिमेन, इसको हम कहते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। जैसे कि इसके अंदर क्या क्या आता है, हर्बेरियम आता है, हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड एंड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट। हर्बेरियम एक ऐसा स्टोर हाउस है जिसके अंदर हम प्लांट की स्पेसीज को हम कलेक्ट करते हैं, और कैसे कलेक्ट करते हैं, शीट्स के ऊपर कलेक्ट करते हैं, उसको ड्राई करके, उसको प्रेस करके शीट्स के अंदर रख दिया जाता है। ये शीट्स होती हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट टाइप की शीट्स होती हैं, सो वेट एंड वी मूव फर्दर, या हियर वी आर। सो अकॉर्डिंग टू अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं था, ये था कि शीट्स के ऊपर प्रिजर्व करके रखते हैं, प्रेस करके रखते हैं, ओके, ड्राइड प्रेस एंड प्रिजर्वड ऑन शीट्स। उसके बाद देयर डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बेरियम शीट्स, हर्बेरियम शीट्स के ऊपर इनका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन भी होता है, इनके स्ट्रक्चर के साथ साथ, यानी कि अगर कोई लीफ है, किसी तरह की लीफ है, उसको ड्राई किया गया, प्रेस करके शीट्स के अंदर रख दिया गया, उसके बाद उनकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन भी लिखा जाएगा उनके बारे में, ठीक है। और इनके पास कैरियर लेबल, लेबल होता है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट उनके ऊपर क्या क्या होता है, एक सेकेंड ध्यान से पढ़िएगा, क्या क्या होता है, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, काफ़ी अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्या क्या होता है हर्बेरियम की शीट्स के ऊपर, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश वोकल, लोकल एंड बोटैनिकल नेम, लोकल नेम भी होगा जिससे आप लोग उसे जानते होंगे, बोटैनिकल नेम्स भी होगा जिससे वहाँ के साइंटिस्ट या वहाँ के वर्कर्स उसे जानते होंगे, ओके, कलेक्टर का नेम, किसने कलेक्ट किया, एटसेट्रा। हर्बेरिया ऑल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। देन बोटैनिकल गार्डन, ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, ठीक है। बोटैनिकल गार्डन आपने देखा होगा, APJ अब्दुल कलाम के टाइम पे भी बना था, जो उन्होंने अपने अपने टाइम पे बनाया था, और काफ़ी अच्छा बोटैनिकल गार्डन था, जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी टाइप के फ्लावर्स भी अरेंज कराए थे, तो उन फ्लावर्स को देखने के लिए उन्होंने पब्लिक के लिए भी ओपन किया था, तो वही था बोटैनिकल गार्डन, यहाँ पे कई सारे टाइप के फ्लावर्स आपको एक ही गार्डन में मिल जाते हैं, उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है रेफरेंस के लिए। द फेमस बोटैनिकल गार्डन्स आर एट क्यू, इंग्लैंड, और इंडियन बोटैनिकल गार्डन जो है सबसे फेमस वो कौन सा है, हावड़ा में, ओके, और सेकंड नंबर पे कौन सा है, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि है लखनऊ में, ठीक है। आपको इंग्लैंड का भी पता चल गया और इंडिया का भी पता चल गया, हावड़ा और लखनऊ का।
Then museum have collection of preserved plant and animal species for study and reference. प्लांट म्यूजियम के अंदर पहले आप देखिए बोटेनिकल गार्डन हर्बेरियम के अंदर आपको प्लांट्स मिलते थे, उसके अंदर ड्राई करके हर्बेरियम के अंदर ड्राई करके रखे जाते थे और प्रेस करके, एंड बोटेनिकल गार्डन के अंदर एक प्रिजर्व करके रखे जाते थे लेकिन प्रिजर्व नेचुरली. ओके देन म्यूजियम में प्लांट्स भी मिलेंगे एंड एनिमल्स भी मिलेंगे जिनको प्रिजर्व करके रखा जाता है स्टडी एंड रेफरेंस के लिए. स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व इन द कंटेनर्स एंड जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के अंदर, कि वो डिकम्पोज ना करें क्योंकि बैक्टीरिया ना लगे, इसी वजह से उन्हें जार के अंदर या कंटेनर के अंदर प्रिजर्व करके रखा जाता था सर्टेन सॉल्यूशन के अंदर. देन व्हेन वी मूव टू जूलॉजिकल पार्क्स, दीज आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट्स अंडर ह्यूमन केयर. उन एनिमल्स के लिए, वाइल्ड एनिमल्स के लिए बिल्कुल उनका वैसी, उनकी जैसी एनवायरमेंट बनाई जाती है ताकि ह्यूमन केयर के अंदर, ओके, ताकि उन्हें काफ़ी अच्छी लिविंग मिल सके. एंड ऑल विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर. ऑल एनिमल्स इन अ जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट. उनको जितना हो सके उतना पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके उनकी नेचुरल हैबिटेट उन्हें दी जाती है उन जूज में. ओके देन आपको याद होगा इंसिडेंट मुंबई में जो है एक पेंगुइन के लिए किया गया था. पेंगुइन को जो है लाया गया था, ओके, काफ़ी मतलब उसके लिए काफ़ी सब कुछ किया गया था, लाइक इतनी सारी बर्फ का पूरा पहाड़ बनाया गया था. और तो सो वही था जूलॉजिकल पार्क जहाँ पे एक पेंगुइन को रखने के लिए, अदरवाइज पेंगुइन क्या होता है वहाँ पे पहाड़ नहीं होता बर्फ का तो मर जाता, इसलिए उसके लिए उसकी नेचुरल हैबिटेट बनाई गई. देन की पे आते, की सबसे इंपॉर्टेंट है, की क्या है, ये की किस लिए काम आती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज. की आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर कॉल्ड कपलेट. ठीक है, ये इन कैरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है जिसको हम कहते हैं कपलेट. एक स्टेटमेंट जो होता है इन द की, कोई भी एक स्टेटमेंट होगा की के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, लीड. ये जो हाईलाइटेड है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पूरी एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी है, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो पढ़ने हैं, वो आपको मैं समझा चुकी हूँ. अगर आपने ये पॉइंट्स पढ़ लिए तो आपका हर चैप्टर, आपको सारे चैप्टर आगे भी मिलेंगे, आपने ये चैप्टर पढ़ लिया, आगे भी चैप्टर पढ़िए, इस तरह से आपको पता चल जाएगा एक एनसीईआरटी के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है. ओके, ये स्टेटमेंट इज द की, इन द की इज कॉल्ड अ लीड, ये आपको बता दिया. सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या थी, किंगडम, फाइलम, ठीक है, फैमिली, ऑर्डर. ओके, कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, यानी कि हम उसे एनालाइज कर सकते हैं. देन लास्ट अवर पैराग्राफ, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स. फ्लोरा जो है कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स. फ्लोरा एंड फौना, फौना एनिमल्स के लिए, फ्लोरा प्लांट्स के लिए, जो कि एक्चुअल अकाउंट रखती है हैबिटेट का, क्या हैबिटेट है उसकी किसी पर्टिकुलर एरिया की. दीज प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया. मैनुअल्स क्या होती है, मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एरिया. इनके अंदर किस एक पर्टिकुलर एरिया में कौन सी स्पीशीज पाई जाती हैं उसके ऊपर नेम्स लिखे हुए होते हैं. देन मोनोग्राफ कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन, किसी भी एक टैक्सॉन की इन्फॉर्मेशन कौन कंटेन करता है, मोनोग्राफ. सो गाइज, हियर वी कंप्लीट अवर फर्स्ट चैप्टर. आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा. पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए. इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है हाईलाइटेड पार्ट्स की. एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको आगे वाले, ये जो सीरीज चल रही है इसकी आगे की वीडियोज़ मिलती रहे टाइम टाइम. लेक्चर 1 है ये, लेक्चर 2 कल अपलोड हो जाएगा. बट प्लीज़ मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें और नोटिफाई आइकन को क्लिक करें ताकि आपको अगली वीडियोज़ के बारे में पता चलता रहे. एंड गाइज, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे. एंड लाइक प्लीज़ कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले. मैंने अभी बिल्कुल वीडियोज़ बनानी छोड़ दी थी बिकॉज बिल्कुल मोटिवेशन ही नहीं होती थी, मन ही नहीं करता था बनाने का. बट आई होप कि इससे आपकी हेल्प हो, इससे आपको और ज़्यादा फ़ायदा हो आपके मार्क्स इंक्रीज करने में. जो बच्चे अभी 11th में हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी ये, और जो 12th में जो बच्चे हैं आप अपने 12th के पे सिलेबस पे ध्यान दीजिए. विदिन 1-3 मंथ्स के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा मेरी साइड से, आई प्रॉमिस, बायो का. ओके, सो हमें नीट के लिए तैयारी करनी है. क्वेश्चन भी आपके लिए मिलते रहेंगे, क्वेश्चन भी टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे पर चैप्टर, पर प्रीवियस ईयर. सो गाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज भी मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे, की नोट्स देखिए मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूँगी. की नोट्स क्यों प्रोवाइड नहीं करूँगी, क्योंकि ये जो मैंने आपको हाईलाइटेड दिया है ना, ये सब एकदम से इंपॉर्टेंट है,
एक एक एनसीईआरटी को आपको कमांड, आपकी एनसीईआरटी पे कमांड होनी चाहिए बायो के लिए, ठीक है। सो एक एनसीईआरटी पे अगर आपको कमांड चाहिए तो ये सबसे बेस्ट तरीका है एनसीईआरटी पे कमांड करने का, कि आप एनसीईआरटी को पढ़ें। एनसीईआरटी पूरी पढ़ने बैठेंगे तो बोर हो जाएंगे, ये मेरे को भी पता है, इसलिए मैंने आपको पहले ही हाईलाइटेड कर दिया गया है सब कुछ, आप ताकि सिर्फ वो हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ें और आपको पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाए। ओके, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लविंग द वीडियोज एंड प्रीवियस वीडियोज टू, एंड इफ़ आपको और भी वीडियोज चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और कौन सा टॉपिक आपको चाहिए जिसको मैं इसी तरह से डिस्क्राइब करूँ, इसी तरह से आपको ब्रीफली समझाऊँ। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको अगला कौन सा टॉपिक चाहिए, या फिर मैं इस सीरीज़ को चैप्टर वाइज ही चलाऊँ ताकि आपकी हेल्प, बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनकी ज़्यादा अच्छे से हेल्प हो। एंड प्लीज़ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको और भी कई सारी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।